मुझे दिख रहा है डॉक्टर साहब। बोले क्या बोलती हो? मैं कि हाँ मुझे दिख रहा है, आपने पहने बता, प्रमाण बताओ। मैं कि आपके गले में ये है, आपके हाथ में ये है। तो उनको विश्वास हुआ। बोले ऐसे कैसे हो गया? मैं कि मैंने बाबा रामदेव को उपासना किया, पूजा किया, तो उसने मेरे आँख में रोशनी वापस दे, चमत्कार हुआ मेरे साथ में। शास्त्र का सब्जेक्ट है, इसमें किंतु परंतु तथा लेकिन नहीं चलता है। तो मेरे को कुछ ऐसी असाध्य बीमारी हो गई थी और मेरे को किसी ने सलाह दी भी, आप बाबा रामदेव को प्रार्थना करो, शायद ठीक हो जाएंगे। तो मेरा लीवर खराब हो गया था, मैंने बाबा से प्रार्थना की। मैं बाबा को न देखा लेकिन अपने मन से ही उनका रूप मान करके मैं ठीक हो गया था। जे हाउ बेरन मुंगा भी पण ई प्रफुल्ला करीन बोलती थई गई। दीकरी नीचे उतरीने बापू कीधुं, बोल बेटा तारू नाम शू? એટલે તોથડી ભાષામાં બેન બોલ્યા કે પ્રફુલ્લા। એટલે આ એક પરચા છે દાદા બાપાના। कार्यक्रम सुबह जैसे 9 से 12 टाइमिंग है और रात को भी 9 से 12 है। इसमें भक्त आ सकते हैं और बाबा रामदेव का जीवन चरित्र संपूर्ण सुनाया जाता है। कहीं राम बने, कहीं कृष्ण बने, कहीं वामन रूप बने, आए सब जगह अनेक रूप लिए, बने रामदेव मरुदुर छाए। मोरबी अपडेट में आप सबनु हार्दिक स्वागत है और हूँ छू तमारी साथ एंकर अमीषा राज। अत्यारे आपणे आवी गया छे ए स्थल पर, एक जगह पर कि ज्यां रामदेव बाबा की कथा चाली रही है। कई जगह छे एड्रेस हूँ तमने जणावी दऊं छू। स्काई मॉल नी बाजू में शिव हॉल नी सामे जे गांधी डेलो आवेलो छे, ए जगह रामदेव बाबा की कथा अत्यारे चाली रही है। एड्रेस फरीथी जणावी दऊं छू। स्काई मॉल नी बाजू में शिव हॉल नी सामे जे गांधी डेलो आवेलो छे, ए जग्या पर रामदेव बाबा नी जे छे कथा अत्यारे चाली रही छे। 20 तारीख थी शुरू थई गई छे अने 30 तारीख सुधी आ कथा चालवानी छे। कई रीतना शुं आयोजन छे? 30 तारीखे जे छे महायज्ञनु पण आयोजन करवामां आव्युं छे, तो कई रीतना आयोजन छे आ कथामां, ए बधी ज जानकारी आपणे अंदर जई अने मेळवीए। अभी हमारे साथ जो ये रामदेव बाबा की कथा हमारे मोरबी में अभी चल रही है, तो उनके व्यासपीठ वक्ता की जो कि मात्र एक कथाकार है जिन्होंने रामदेव बीर बाबा का पूरा जो कथा है वो लिखा है, और एकमात्र ऐसे वक्ता है जो पूरा डीपली ये सब पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं, और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं स्वामी श्री मूल योगीराज बाबा। मैं आपको सच्चित नमन करती हूँ बाबा जी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये बाबा रामदेव जी की जो कहानी है वो कितने साल पुरानी है? पहले मैं ये पूछूं, 680 वर्ष हो गए, यानी 14वीं शताब्दी, यानी 1442 में बाबा रामदेव अवतार लिए थे और अब इतने वर्ष हो रहे हैं, अभी ये 20वीं चल रही है जी। बाबा जी मैं ये दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि आप मतलब कैसे ये भक्ति भाव के रास्ते पे आप कैसे आए? देखिए, कोई भी आदमी अगर लाइन चेंज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और ये धार्मिक लाइन जो है ये विश्वास आस्था का सब्जेक्ट है, इसमें किंतु परंतु तथा लेकिन नहीं चलता है। तो मेरे को कुछ ऐसी असाध्य बीमारी हो गई थी और मेरे को किसी ने सलाह दी भी, आप बाबा रामदेव को प्रार्थना करो, शायद ठीक हो जाएंगे। तो मेरा लीवर खराब हो गया था, मैंने बाबा से प्रार्थना की। मैं बाबा को न देखा लेकिन अपने मन से ही उनका रूप मान करके मैं ठीक हो गया, और मैंने ये संकल्प किया था अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जीवन भर बाबा रामदेव की यशोगाथा गाऊंगा, गली गली गाऊंगा। बस इसी तरह से मैं शरण में आ गया। बाबा जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ये जो मोरबी में भी ये कथा जो है तीसरी बार हो रही है और इतने सारे भावी भक्ति जो है वो आपको सुनने के लिए आते हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये हमारा उद्देश्य एक तो बाबा रामदेव के बारे में यथार्थ सही जानकारी देना है, दूसरा आदमी नास्तिक विचार का हो तो कथा से वो नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है, और आस्था ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आदमी को शांति मिलती है, नास्तिक में शांति नहीं मिलती है। और मेरा तो लक्ष्य है कि यशोगाथा अपने आनंद के लिए गाना, अब भक्त लोग भी लाभ ले रहे हैं, और इसमें अगर एक व्यक्ति को भी थोड़ा सा भी अगर मन में सात्विक भाव आ गया, आस्था हो गई, तो मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा। बाबा जी हमारे साथ ये आपने अमूल्य समय आपका जो दिया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप यहाँ निष्काम भाव से यहाँ आए, इसके लिए मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल खूब उन्नति करे, आगे बढ़े। અને હવે આપણી સાથે અત્યારે મહેન્દ્રભાઈ કે જે સંસ્થાપક છે, રામદેવરા જે આશ્રમ છે એમના સંસ્થાપક છે, અને અત્યારે પણ અહીંયા જે કથાનું સંચાલન સાથે બધું જે મેનેજમેન્ટ કરવાનું એ બધું સાથે કરી રહ્યા છે, તો આપણી સાથે અત્યારે મહેન્દ્રભાઈ જોડાઈ રહ્યા છે અને આપણે હવે હિન્દીમાં વાતચીત કરવાની છે। મહેન્દ્રભાઈ, મોરબી અપડેટમાં આપકા હાર્દિક સ્વાગત હૈ। जैसे अभी ये कथा का आयोजन हुआ है, ऐसे इतने सारे जो भी भक्त जो है वो आते हैं कथा सुनने के लिए, तो मतलब कैसे आयोजन इस साल किया गया है? जैसे ये तीसरी बार मोरबी में ये कथा का आयोजन हो रहा है, और क्या क्या मतलब उद्देश्य है वो उसके बारे में बताइए। ये मोरबी में तीसरी बार कार्यक्रम है और उसकी वजह यहाँ के भक्तों ने बहुत स्नेह और प्रेम दिया है और उन्हीं के आग्रह पर ये तीसरी बार कार्यक्रम हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा रामदेव का प्रचार करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें इस आश्रम के इस कार्यक्रम के द्वारा जो कुछ भी सहयोग मिलता है वो अमूल योगिराज आश्रम रामदेवरा राजस्थान में उसका संचालन होता है जी। तो फिर अभी ऐसे कैसे, कौन से टाइमिंग में ये कथा यहाँ पे मतलब बाबा आते हैं, कौन से टाइम पे कथा सुनने के लिए आ सकते हैं जो भी भक्त आना चाहते हैं, और कितने दिन तक अभी रहेगा, और आखिरी दिन में जो हवन का जो सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है उसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम सुबह जैसे 9 से 12 टाइमिंग है और रात को भी 9 से 12 है, इसमें भक्त आ सकते हैं और बाबा रामदेव का जीवन चरित्र संपूर्ण सुनाया जाता है। और तारीख 30 अपने 5 को सुबह में हवन है रामदेव महायज्ञ, वो 101 कुंडी महायज्ञ है, वो भी उस कार्यक्रम में सुबह का रहेगा 30 तारीख को, और 30 तारीख को प्रसाद करके पूर्णा होती है जी। तो ऐसे जैसे हमने बात की कि हर रोज़ सुबह 9 से 12 और रात में 9 से 12, ये दोनों समय पे जो यहाँ पे जो भी भक्त आना चाहते वो कथा सुनने के लिए आ सकते हैं, और 30 तारीख को जो है वो महायज्ञ होने वाला है, तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कथा में हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे एक धुना जो है वो चल रहा है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और जानकारी जिज्ञासु को होनी चाहिए, ये जानकारी होती है तो बड़ी है। ये धुना बाबा रामदेव के गुरु बालिकनाथ जी थे, ये उनका धुना है, और उनकी जहाँ भी कथा होती है और जितने दिन कार्यक्रम रहेगा ये अखंड धुना रहता है। जब से कथा शुरू होने से लेकर पूर्णावधि तक ये बाबा रामदेव के गुरु का धुना है, और ये चमत्कारी धुना होता है। इसकी विभूति लगाने से बाबा रामदेव के खुद के गुरु का चमत्कार है, ये इसी के लिए अखंड रहता है यहाँ। अभी हमारे साथ साध्वी शशि गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जो जितने भी भाविक यहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं उन्होंने बेशक इनकी आवाज़ सुनी होगी, ये साथ में जो यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं उनमें ये साध्वी जी की आवाज़ होती है। साध्वी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब आप इतना अच्छी आपकी आवाज़ है, आपका स्वर बहुत ही अच्छा है, मतलब तो आप ऐसे भक्तिभाव में कैसे, मतलब ये भक्तिभाव के रास्ते पर आप कैसे आए? ऐसा है, मैं पहले रेडियो आर्टिस्ट थी, रेडियो में गाती थी, और रेडियो में गाते गाते क्या है कि मुझे टाइफाइड हो गया। मैं उस समय मेरी उम्र रही होगी 14-15 साल की, तो टाइफाइड होने के बाद में फिर मेरा गाना रेडियो में बंद हो गया। फिर मैं स्वस्थ होंगी या नहीं होंगी ये तो ईश्वर जानता था। टाइफाइड ने मेरे दोनों आँख की रोशनी चली गई, दोनों आँख की रोशनी चली गई, तो डॉक्टर को से इलाज कराया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी आँख में रोशनी नहीं आ सकती, असंभव है। कोई ना कोई टाइफाइड होता है तो इफ़ेक्ट होता है शरीर में, तो इनके आँखों पे इफ़ेक्ट हुआ डॉक्टर साहब ने कहा, तो बोले कभी नहीं आए कभी नहीं आएगा। तो मेरा जीवन निराश हो गया, मैंने बोला मैंने ऐसे क्या गलती की है भगवान जो मेरे साथ में ऐसा, पहले तो दुनिया दिखाई और मेरी आँख की रोशनी ले ली आपने, तो ये तो या तो मुझे सजा ऊपर ले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ, औरत हूँ, अभी तो लड़की हूँ, कल औरत बनूँगी तो मेरे साथ में क्या होएगा, मैं कैसे जीऊँगी, ऐसा मैं सोचती थी अकेले बैठे बैठे। उसी दरमियान में महाराज जी आए थे हमारे यहाँ पे ध्रुव छत्तीसगढ़ कथा करने, जैसे यहाँ मोरबी आए हैं ना ऐसे वहाँ आए थे, तो वो कथा कर रहे थे, अंधों को आँख देते हैं, पंगों को पाँव देते हैं, ऐसे हमारे बाबा रामदेव। तो मैं अपने घर के छत पे सोए से सुन रही थी, मेरी माँ आती थी कथा में, मैं नहीं जाती, मुझे भगवान से विश्वास उठ चुका था, मैं भगवान को मानती नहीं थी, नास्तिक विचार की हो गई थी। मेरी माँ कहती थी आओ बेटा तुम चलो भगवान महाराज आए हुए कथा अच्छी करते हैं, मैं बोले नहीं माँ मेरा विश्वास नहीं है, फिर बोले कोई बात नहीं, माँ ने प्रेस नहीं किया। फिर मैं पर रात में छत में सो रही थी तो उनकी आवाज़ आई, अंधों को आँख देते, पंगुओं को पाँव देते, निपुता को पोत देते, ऐसे हैं बाबा रामदेव, एक बार मान के तो देखो।
तो वो मेरे जहन में उतर गया। दूसरे दिन मैंने मेरी माँ को कहा, माँ मुझे लेकर चलो मिलना है। तो वो तुम तो बोल रही थी ना नहीं जाना है, लेकिन अब मुझे जाना है। फिर गई तो आँख जैसे मेरी आँख खुली रहती थी, मुझे दिखाई नहीं देता था कुछ भी, मतलब खुली ले कोई नहीं कह सकता था मुझे दिखता नहीं है। महाराज से मिलने गई तो महाराज ने कहा आओ आओ बैठो। तो बैठने के लिए बोले तो मेरे हाथ से कुछ रुपए थे बैठ कर वो गिर गए, तो मैं ऐसा ऐसा करके उठाई। तो महाराज ने बोला आपको दिखता नहीं क्या? मैं कहा नहीं महाराज जी दिखता नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ पूछने। आप कल कथा कर रहे थे तो मैं दूर बैठे सुन रही थी। अंधों को आँख देते हैं, पंगू को पाँव देते हैं, निकूता को पोत देते हैं, ऐसे हैं बाबा रामदेव। तो मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आई हूँ, क्या मेरी आँख की रोशनी वापस दे सकते हैं बाबा रामदेव? तो महाराज जी ने कहा गुरुदेव ने कि तुम सच्चे मन से अगर मानोगी तो क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे, तुम एक बार पुकार के तो देखो उनको। ठीक, मैं कह पूजा वो तो दीदी तो हम जानते नहीं कुछ भी, हमारे यहाँ पे तो देवी की उपासना करते हैं घर में, इनकी कैसी पूजा होती है क्या होती है ये हम नहीं जानते। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं करने का है, मैं तुमको बता देता हूँ सीधा रास्ता। उन्होंने जो मंत्र देना था उन्होंने मंत्र बताया छोटा सा, मैं वही जाप करती रही। मुझे 7-8 महीने के अंदर में दरमियान में मुझे मेरी आँख की रोशनी दिखने लगी, मतलब ऐसे फोकस लाइट होता है ना, ऐसा कभी उजाला हो जाता है कभी बंद हो जाता है, उजाला होता है बंद हो जाता है, ऐसा मेरे साथ में घटित हुआ। तो मैंने मेरी माँ को कहा माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मैं क्या करूँ? तो माँ ने मेरे डॉक्टर के पास लेके आया, जो डॉक्टर मना कर दिए थे कि चलो डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले करे कि आँख में रोशनी नहीं आ सकती, कल एक बार देखो तो सही मेरी बच्ची क्या कह रही है, सुनो तो सही। उनने देखा देखो बोला अरे इनकी चश्मा मोटे चश्मे से उससे मेरी आँख की रोशनी टिक गई। तो बोले मुझे दिख रहा है डॉक्टर साहब? बोले क्या बोलती हो? मैं कि हाँ मुझे दिख रहा है, आपने पहने बता प्रमाण बताओ। मैं कि आपके गले में ये है, आपके हाथ में ये है। तो उनको विश्वास हुआ, बोले ऐसे कैसे हो गया? मैं कि मैंने बाबा रामदेव को उपासना किया पूजा किया तो उसने मेरी आँख में रोशनी वापस दे दी, चमत्कार हुआ मेरे साथ में। बोले सबसे पहले आप किसको देखोगे, तुम्हारी माँ को पापा को किसको देखोगे? तो बोले मैंने किसी को नहीं देखना है, मुझे तो बाबा रामदेव का फोटो कैसा है वो देखना है, फोटा देखना है मेरे को। तो बोले ठीक, मेरी माँ फिर जाके मंदिर से फोटा लेके आई, जब तक मैं वहाँ बैठी रही फोटा लेके आए तो मैंने देखा फोटा, तो मुझे सपने में वो दिखते थे लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यही बाबा रामदेव है, मुझे सपने में दिखाई देते थे और बोलते थे बेटा चिंता मत करो ऐसा बोलते थे। तो मैं बहुत देर तक रोती रही तस्वीर को लेकर, बहुत रोया। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि बाबा ने मेरी सुन ली डॉक्टर साहब, तो अच्छा बेटा खुश रहो तुम चश्मा पहन लो। फिर माँ के साथ मैं आई, माँ के साथ आके घर आ गई। घर आने के बाद में फिर मैंने महाराज जी को कैसे बताऊँ मैं मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो वहाँ एक परिवार थे, जैसे यहाँ मोरवी में धनजी भाई है ना, ऐसे वहाँ एक लखोटिया परिवार थे, तो उनके यहाँ वो आते जाते थे। तो मैंने उन महाराज जी को मिलने के लिए उनके पास बोला कि मुझे महाराज जी से मिलना है, मुझे आप मार्ग बताइए कैसे मिलूं। तो उन्होंने सूचना किया, उस समय तो चिट्ठी पत्री चलता था या टेलीफोन या टेलीग्राम चलता था उस ज़माने में, तो उन्होंने टेलीग्राम किया। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है हमारे कथा ख़त्म होने के बाद में आऊँगा। फिर वो आए तो मैंने बताया महाराज जी आपने बताया उस मार्ग में चलती रही तो मुझे मेरी आँख की रोशनी आ गई, अब मुझे बताइए रास्ता। तो बोले कि तुमने क्या संकल्प किया? मतलब आपने कहा था कि जब पूजा चालू करो तो कोई संकल्प ले लेना, बाधा ले लेना। तो मैंने बाधा ली है। तो बोले क्या बाधा लिया? तो मैंने कहा जीवन भर बाबा रामदेव को, मेरा जीवन जो बाबा रामदेव को समर्पित है, जीवन भर मैं शादी नहीं करूँगी और इनका ही भजन गाऊंगी, इनका ही गुणानुवाद गाऊंगी और किसी का नहीं गाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। तो बोले तो तूने बहुत बड़ा कदम उठाया है, तुम कर लोगी? मैं कि हाँ कर लूँगी, मुझे उस पर विश्वास है। जब उसने मुझे आँख में रोशनी दी तो वो शक्ति भी वही देंगे, मुझे इस मार्ग में मैं चलूँ ऐसी शक्ति बाबा रामदेव देंगे और आपकी कृपा रही। तो बोले ठीक है, फिर मैं इस मार्ग में आ गई। फिर हम ऐसे बॉम्बे भी गए, बॉम्बे में भी वहाँ पे एक कथा वगैरह हुई, वहाँ मेरा फ्लैट था तो वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना थे, उसने गुरु जी को बोला ये मुझे दे दो, मैं एक चीज़ मांगती हूँ। तो बोले क्या? बोले ये शशि, मेरा नाम साध्वी शशि गौतम है। तो बोले शशि को दे दो मुझे, मैं फिल्मों में गवाऊँगी। तो बोले मैंने कब मना किया, इनको ले लो। तो वो बोले कि शशि जाओ तुम उषा के पास में जाओ और इस लाइन पर आ जाओ।
फिल्मी दुनिया पे। तो मैं बोली गुरुजी मुझे क्षमा करे, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती हूँ, मुझे तो सिर्फ इस दुनिया में रहना है, रामा पीर की दुनिया में रहना है, इनके ख्यालों में रहना है और भक्तों के बीच में रहना है। और भक्तों के बीच में जो आनंद आता है वो इस दुनिया में नहीं है, मैं इस दुनिया में आना ही नहीं चाहती। ऐसा करके इस लाइन पे मैं आई हूँ। तो जैसे अभी हमने सुना कि इनकी पूरी जर्नी कैसी थी, मतलब नास्तिक से आस्तिक कैसे बने और कैसे उनको बाबा रामदेव जी का पर्चा मिला, और ऐसे करके अभी ये जो भक्ति भाव है वो रास्ते पे अभी साधु शशि गौतम जी आ गए हैं और हम सब भी जो भक्त हैं उन पे आपके आशीर्वाद कायम बने रहे। અત્યારે આપણી સાથે આયોજક જે છે ધનજીભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। ધનજીભાઈ હું તમને એ સવાલ કરીશ કે આપણે મોરબીમાં જે છે રામદેવ બાબાની કથા ત્રીજી વખત આ વખતે થઈ છે, આ જે કથા છે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ વિશે જણાવો। એક તો અત્યારે અન્નક્ષેત્ર ખોલવા માટેનો છે કે અહીંયાથી જે યાત્રાળુ જાય દરેક વિસ્તારમાંથી એને અન્નક્ષેત્ર માટે ત્યાં થોડીક તકલીફ પડે છે, એટલે એક તિથિમાં 11,000 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે અને 365 તિથિઓ આપણે નક્કી કરવાની છે। પછી કે જે આના પહેલાં જે કથા થઈ હતી એમાં બે અમને એવા દાખલા મળ્યા, એકને બે બહેનોને દીકરાના જન્મ થયા એની ત્યાં, અને એક બેન મૂંગા હતા જે હાવ બેરાને મૂંગા બે, પણ એ પ્રફુલ્લા કરીને બોલતી થઈ ગઈ દીકરીને નીચે ઉતરીને બાપુએ કીધું બોલ બેટા તારું નામ શું, એટલે તોથડી ભાષામાં બેન બોલ્યા કે પ્રફુલ્લા, એટલે આ એક પરચા છે દાદા બાપાના, રામદેવ બાબાના પરચા જે છે એ આપણે જાણ્યા। અને આ વખતે જે કથાનું આયોજન આપણે અહીંયા થયું છે જે સ્કાય મોલની બાજુના જે ગ્રાઉન્ડમાં થયું છે, તો શું ટાઈમિંગ છે એ વિશે અને આપણે જે હવન થવાનો છે છેલ્લા દિવસે એના વિશે જણાવો। હવનમાં 30 તારીખે હવન છે, તો 30 તારીખે કેટલા સભ્ય છે બહુ ખ્યાલ નથી, પણ 101 સભ્ય સુધી અમારું આયોજન છે એ થાય, એમાં ઘણા બધા પરચા પૂરશે બાપા રામદેવજીનું, એટલું બધું અત્યારે ઓલું છે કે એ તમને તત્કાલ પરચા, જો અત્યારે કળિયુગમાં દેવ ગણો તો રામદેવજી અને હનુમાનજી તત્કાલ, દેવ બધાય કામ કરે આ તત્કાલ કામ કરે, આપણે જેમ તત્કાલમાં ટિકિટ લઈ છીએ કેમ મળે છે એવી રીતે આને રજૂઆત કરો એટલે તરતથી તમારે પહેલાં હલતા થઈ જાય, આવું કામ મારો 2-4 કામ એવા કર્યા છે એટલે મને આ અનુભવ છે જી। તો આજે પરચા વિશે આપણે તો જૈન રામદેવ બાબાના જે પરચા વિશે વાત કરી અત્યારે આપણને ધનજીભાઈએ, અને આવા તો ઘણા બધા આપણા મોરબીમાં જે છે ભક્તો કે જેમને બાબા રામદેવજીના પરચા મળ્યા છે, તો આજે કથા જે છે એનું આયોજન અત્યારે સ્કાય મોલની બાજુનું જે ગ્રાઉન્ડ છે શિવ હોલની સામે ત્યાં કથાનું આયોજન છે। 30 તારીખ સુધી આ કથાનું આયોજન જે છે થવાનું છે, સવારે 9 થી 12 અને રાત્રે 9 થી 12 જે છે સમય છે કથા માટેનો, અને 30 તારીખે જે છે એ મહાયજ્ઞ નું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે જેમાં 101 જેટલા લોકો જે છે આ યજ્ઞમાં ભાગ લઈ શકે એની વ્યવસ્થા પણ અહીંયા રાખવામાં આવી છે। અને અમારી સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધનજીભાઈ।